हेलो एंड वेलकम टू हमारा रिएक्शन चैनल। नाम तो अब तक आपको याद ही हो जाना चाहिए, नहीं हुआ है तो गलत बात हो गई है। ये तो फटाफट रट्टे मार लो। तो आज हम देखने वाले हैं एक बढ़िया ऑल टाइम फेवरेट कॉमेडी वीडियो का, विच इज रूममेट स्टैंड अप बाय कॉमेडी फीचरिंग अनुभव सिंह बस्सी। ठीक है, चलो स्टोरी बहुत ज्यादा बक चली है, सुन लो। जब 12th खत्म करी ना तो मुझे बस मेरठ से बाहर आना था, मैं यहाँ नहीं रहना। और तो घर वाले ने कहा ये ड्रॉप कर लो, मैं कहा दिल्ली जाकर यहाँ नहीं रहेंगे। तो दिल्ली आ गए, KMC में एडमिशन भी हो गया। तो सैम आया था मेरे एक दोस्त मेरठ से मेरे साथ, इंटेलिजेंट ही होगा फिर, वो भी KMC में। हम दोनों ने एक PG में रूम ले लिया, काफ़ी आलिशान रूम था, दो सिंगल बेड थे, अलमारी के नाम पे एक माचिस की डब्बी लगी थी दीवार पे। वेलकम टू दिल्ली ब्रो। और जो आर्किटेक्ट था ना उसका, वो थोड़ा नशे में था। उसने दो दरवाजे बनाए थे, एक दरवाजा सड़क पे ही खुलता था, तो अगर कभी जाने अनजाने में खोल दो तो स्कूटी में लग जाता था किसी की। आदमी बढ़िया जा रहा, भाग जाया था, गिर गया, किसी ने दरवाजा खोल दिया। तो हम उसे ज्यादातर बंद ही रखते थे क्योंकि हम भी नशे में रहते थे। तो उस कमरे में एक तरफ हम चाय बनाते थे, तो उधर एक बार चाय गिर गई थी तो उसके ऊपर अखबार बिछा दिया था, तो अब जो हेडलाइन थी वो चिपक गई थी। तो न्यूज़ के नाम पे हम रोज ये पढ़ते थे कि गाजियाबाद में सरेआम कत्ल हुआ है, और हम रोज वहां से निकलते कहते गाजियाबाद में बहुत कत्ल हो रहे हैं यार। थोड़े दिन हम रहे, फिर हमने डिसाइड किया कि यार दारू पीते हैं। यार देखो, मेरे से निकलने का मेन पर्पस ये था क्योंकि मैं बचपन से अपने पापा को देखता रहता है कि शाम को इस आदमी को ऐसा कौन सा पदार्थ मिलता है कि ये खुश हो जाता है। मैंने कहा मुझे यही चाहिए। और दारू की जितनी बॉटल आई ना घर में, मुझे एक भी बॉटल हमने कभी फेंकी नहीं, तो सारी हम संभाल के रखते थे। क्यों पता नहीं, ये म्यूचुअली डिसाइड भी नहीं होता यार, वो बस आई, फिर हमने कहा क्या हमारी तो है। इसने मुझे सिगरेट भी पिलानी शुरू कर दी मीठी मीठी बोल के। भाई पी के देख मीठी मीठी लगी, मैंने कहा पी के देखी मुझे लगी भी, मैंने कहा सही है। जितने लोग स्मोक करते हो ना पता होगा कि छोटी गोल्ड में से ना धुआं बहुत आता है, जो नहीं करते मैं बता रहा हूँ। हाँ, ऐसे गूगल मत करने लग जाना, आता है वो, पता नहीं उसका कोई बीमारी है, वो पुरानी सिगरेट कभी खींच लेती है, पता नहीं क्या उसका था। तो ना कमरे में धुएं से बादल बना के और बस उसे बैठ के देखता रहता था। मैं पूछता था क्या कर रहा है, कह रहा भाई देख उसमें कुछ दिख रहा है। मैं क्या दिख रहा है, कह रहा देख एक कुत्ता दिख रहा है। तो मैं देखता, मैंने कहा हाँ दिख तो रहा है। फिर हम दूसरा बादल बनाते थे, फिर हम दोनों कुत्तों की लड़ाई कराते थे। तो ठीक चल रहा था हमारा, फुल ऑन एंटरटेनमेंट चल रहा था। फिर एक दिन हमने ऐसे डिसाइड करा कि आओ थोड़ी बहुत सफाई वफाई कर लेते हैं। हम निकले घर से कि थोड़ा सामान वामान लेके आते हैं, बादल बना के कमरा बंद करके ताला लगा के हम लोग गए, पास की एक दुकान थी, वहाँ जाके हम भूल गए हम क्यों आए थे, सिगरेट पीने लगे। याद आया तो मैंने वाइपर लिया, तो इसने बोला कि वाइपर मत ले यार, रख दे वापस। मैं कह रहे वो कत्ल के निशान मिटाने ले लेते। कह रहा कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूँगा अपने आप। मैं कहा अच्छा ठीक है। तो हमने बेसिकली हम कुछ लेने गए थे बिना लिए, थोड़ी देर में घूम घाम के वापस आ गए। तो हमारे यहाँ गैलरी थी, यहाँ वॉशरूम था, रूम से काफ़ी दूर आर्किटेक्ट। होगी उसकी कोई दिक्कत, मुझे नहीं पता क्या। तो ऐसे वॉशरूम था, चाबी इसके पास थी, भाग के आया और वॉशरूम में घुस गया। तो मैंने कहा चाबी, कह रहा नहीं दे रहा। ये क्या फेटिश है कि मैं चाबी छिपा लूंगा अपने पास। मैं कहा भाई या तो मुझे भी अंदर ही बुला ले, मैं भी बाथरूम में आ जाता हूँ। तो कह रहे नहीं नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा, जब तक मैं बाहर नहीं आता तो बाहर घूम। मैं कहा और अंदर कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा छप छप की आवाज़ आ रही पानी की, पता नहीं बाल्टी में चाबी ही डुबो रहा था। मैं कहा भाई दे दे चाबी, दो तीन बार मांगी नहीं दी। मैं कहा ठीक है बाहर में जा, मुझे कुछ ना कुछ काम है। मैं बाहर आया, ऐसे थोड़ा सा ओपन एरिया था, उसमें ऐसे गोल गोल घूम रहा था। मैं ऐसे घूम रहा था तो मैंने देखा हमारे रूम के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ बैग टांग के, तो मुझे लगा ये सेल्समैन होगा, कुछ बेच रहा होगा। तो मैंने कहा अरे टाइम पास तो मिल गया, पापा होंगे इसके, आओ इससे बकचोदी की जाए। तो मैंने कहा भाई क्या बेच रहे हो।
तो कुछ बोला नहीं, मैं कहा बताओ ना क्या बेच रहे हो। तो वो पलटा, कहता तुम कौन हो? मैं कहा मैं कस्टमर, बताना क्या बेच रहे हो। पापा होगा। कह रहा मैं सैम का फादर हूँ। देखा, हमारे साथ भी हो चुका है ये तो कोई बेचने की चीज। तो मुझे समझ नहीं आया पर रिएक्ट कैसे करते, मैं बस पलटा में चल दिया। जानता ही नहीं हूँ। कह रहा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैं कस्टमर ना, कुछ खरीदने जा रहा हूँ। कह रहा सही से बताओ तुम करते क्या हो? मैंने कहा अंकल मैं ना पीछे डांस सिखाता हूँ वहाँ पे ना। कुछ समझ ही नहीं आया, मैं रियाज ही कर रहा था, आप आ गए एकदम से ना। कुछ भी, थोड़ी दूर में भागा। कह रहे एक सेकंड, तुम अनुभव हो ना? शिट, आप थोड़ी बात सीरियस होती जा रही है। मैं कह नहीं। कह रहा मुझे सैम ने बताया तुम्हारे बारे में, और मैं ये सोच रहा हूँ अपने लड़के से स्केच बनवाता है क्या? उस टाइम फोटो तो होते नहीं थे। तो ये क्या दोस्त से, हाँ बनाओ शक्ल बनाओ। तो यार देखो मैं भाग सकता था वहां से, लेकिन फिर मुझे एकदम से लगा क्या आज क्या होने वाला है। ये आदमी अभी वॉशरूम से आएगा, ये अपना बाप देखेगा। फिर हम तीनों मिलके कमरा देखेंगे और ये संसार तमाशा देखेगा। मैं इस मोमेंट को मिस तो नहीं करना चाहता। तो मैं कहा बता देते हैं हम कौन है, क्योंकि देखो मुझे क्या डर था ये आदमी क्या कर लेगा, वैसे तो है नहीं मुझे पीट देगा। ज्यादा से ज्यादा क्या मेरे घर पे फोन करोगे? कर लो। जो अभी टाइम हो रहा है मेरे पापा पक्का फोन उठा के बोलेंगे चीयर्स भाई साहब। मुझे कोई लोड नहीं था, मैंने पूरी कैलकुलेशन की अपने दिमाग में। मैं कहा बता देते हैं, मैं कहा अंकल मैं अनुभवी हूँ, मैं तो ऐसी मतलब थोड़ा मजाक कर रहा था। उसका मुंह देखे बोलना नहीं चाहता कि उससे मजाक कर रहा था मैं। भाई बिल्कुल बाप, बिल्कुल। हाँ जो मेरे पापा ना पापा हैं, ये बाप कहते हैं। वो लड़के ने तो बचपन से बाप बनना चाहते हैं कि स्माइल नहीं करेंगे वरना औलाद पैसे मांग लेगी। इतना सीरियस ऐसे खड़े में खाच, ठीक है अंकल मतलब मैं ही हूँ, आप बताओ कैसे हो आप? कह रहे सैम कहाँ हैं? हो गया शुरू। अंकल यहीं पे है, ये रहा यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम में। कह रहा बुलाओ उसको, मैं कभी बुलाते हैं। मैं गया, मैंने जाके गिर गया, मैंने कहा बड़ी बड़ी आपके फादर आए हैं। ये चमन चूतिया अंदर से बोला नहीं मिलेगी चाबी। अच्छा शिट यार, नहीं लग रहा है। बड़ी बड़ी रख लो चाबी, आपके पापा आए हैं। अंदर से कह रहा मेरे डैड जी क्यों आएंगे? वो तो यही आदमी बता पाएगा। मैं कहा भाई यहाँ एक शख्स है जो क्लेम कर रहा है कि वो आपके पापा है, तो अब ये कंफर्म करने के लिए आप ही को आना पड़ेगा। तो आपने स्केच बना के बाथरूम में क्यों भेज दिया? इसको समझ ही नहीं आ रही है बात। इसको लग रहा है मैं चाबी लेने के लिए अलग अलग बहाने बना रहा हूँ। ये अपनी जोन में खुश है, और ये कॉमर्स का था ना तो ये नया नया कूल बना था दिल्लिया। इसने कूल बनने के लिए दिल्ली आके कुछ लड़कों से दोस्ती करी थी और एमिनम सुनना शुरू किया था, पर इसके लिए नहीं था वो। मेरठ का लड़का एमिनम समझ रहे हो तुम? वहां के लड़के अभी भी मेमोरी कार्ड को चिप बोल रहे हैं यार। मैंने से फिर से बोला, मैंने कहा बाडी प्लीज मान जाओ, आपके पापा आए हैं। आए हैं। अंदर से कह रहा है बडी लव द वे यू लाई।
नहीं नहीं अपने पापा का सब नॉट लाइक एक ही मिनट लगेगा बाहर आके चेक कर लेना है। अलग फील्ड में इतने अंकल आ गए कि हाँ चल क्या रहा है अंकल आए मैंने कहा अब पता है सारी गलती साथ भी खुद की सब इनकी वजह से हुआ है अगर ये उस दिन आके एक शब्द बोल देते तो लड़का सुन लेता वो बाहर आ जाता सब हो जाता बोल नहीं रहे बाप है कैरेक्टर में रहना यहाँ आके मुझसे कह रहे हैं मैं बहनचो मम्मी मुझसे क्यों बोल रहा हूँ ये तो ना लड़का अंदर तुम्हारा बोल दो ना नहीं कुछ खड़ा मैं बस शांति से मैंने कहा बड़ी बड़ी आ गए यार पता है सब सच है लग रहा पता लग रहा है एकदम से इसका मेरठ ऊपर आया एमिनम नीचे चला गया और इसका पेशेंस लेवल खत्म हो गया इसे लगा कि अब तो ये बहुत देर से बकचोदी कर रहा है तो अब मुझे इसे जवाब देने का टाइम आ चुका है इसने अंदर से इतनी बुरी बुरी गालियां देनी शुरू करी इतनी बुरी बुरी की स्टेज पे तो मैं दे भी नहीं सकता ऐसे गालियों का लूप चला और मैं सोच रहा हूँ ये वाली तो बहुत एस्केलेट कर दी यार तूने और ऐसे चला 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 और एकदम से एक लाइन आई और तुझे पता है मेरा बाप कितना बड़ा चूतिया है बोला क्यों नहीं फिर उसको पता नहीं उसके बच्चे क्या देखो मैं इतनी रेंज में था कि थप्पड़ खा सकता हूँ फिर मुझे लगा कि आप ये बकचोदी चलती रहनी चाहिए तो मैंने कहा कैसे तो कह रहा पता नहीं क्यों आता है दिल्ली और जब भी आता है एक आलू भुजे का पैकेट और चार लड्डू लेके आ जाता है फिर मेट्रो स्टेशन से फोन करता है मुझे मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता है तो कह रहा ये नहीं कभी मैं चौदारू ले आए लिया अंकल आपके संस्कार है मतलब ऐसा ये चल रहा है अभी अब ये किसी और चीज को गाली दे रहा है जो हमें नहीं दिख रही है अंदर ही कुछ है जिसे ही गाली दे रहा है मैं कहा अंकल चले यहां से आज का तो हो गया होगा चले सारी सुन के जाओगे क्या हफ्ते का महीने का कोटा लेके दूर गए होंगे वॉशरूम के गेट में ऊपर जगह थी इसने ऊपर से चाबी फेंक दी कह रहा ले तू भी क्या याद रखेगा मैं याद रखूंगा बड़ी एक बार बाहर तो आओ तुम क्या क्या याद रखोगे और लेकिन मुझे एक डाउट हुआ कि यार जितनी गाली अंकल ने खाई ये आदमी अब ये नहीं देखेगा औलाद किसकी है अब ये मानना चालू करेगा जो आएगा तो मैं ऐसे महीने अब अंदर नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा जो पिटाई का इवेंट था वो तो रूम ही था ना हमारा हाँ। तो उससे पहले इतना कुछ हो गया तो मुझे लगा अभी से आ जान देते तभी रूम दिखाएंगे मैं नहीं जा रहा अंकल कह रहे चाबी उठाओ चाबी उठाई उठाई खड़ा हो गया कह रहा चलो मैंने कहा हाँ चल रहे चलो गेट के सामने जाके मैं खड़ा हूँ कह रहे खोलो मैं भूल गया कैसे खोलते यार वो ताला भी ना 20-25 बार में खुलता था मैंने उस दिन उसमें चाबी लगाई कट से खुल गया वो ऊपर वाला तो साथ नहीं दे रहा आज मैंने ताला ऊपर अटकाया कुंडी खोली मैंने कहा अंकल अब आप कर लो अंकल ने गेट खोला पहले तो बादल आए बादल आए फिर कुत्ते आए वो दो जर्मन शेफर्ड अंकल के ऊपर से गए वो आदमी स्मोक नहीं करता कह रहा ये क्या था मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं अगर अंदर आओगे तो बिजली भी कड़क रही आ जाओ अंकल अंदर घुसे सामने एक चेयर पड़ी थी उस पर कपड़े भरे थे मैंने कपड़े हटाए मैंने कहा अंकल यहाँ बैठ जाओ बस बैठ रहो बाप लाइट जलाओ मैंने कहा लाइट नहीं आ रही वो पुराना वाला स्विच बोर्ड लगा हुआ था उस पर वो इंडिकेटर नहीं लगा रहा था वो जल रहा था तो कह रहा वो तो जल रहा है मैंने कहा इन्वर्टर चल रहा है छोटा इन्वर्टर इतना लोड ले पाता
लेता वो शिट यार। उठे लाइट जला दिया के। अब बड़े बोल रहे हैं इसमें आप अपने आप के आपने जो किया अब देख लो कमरा देखा मैंने लाइव हार्ट अटैक आते देखा उनका हाथ ऐसे दिल पे गया मैं कहा ये मरेगा मेरा नाम लेगा मुझे मना करा था ना मैं बैठ जाओ पानी पियो उन्होंने सारी बोतल देखी तो पहले तो ये समझ में नहीं आया कि शराब पीते हैं कबाड़ी काम करते हैं कि संभालते मॉडल देखी और मतलब इतना जेन्युइन सवाल उनका कि पीते ही हो ना देखा हाँ पीते और देखा कि साफ सफाई देखी कितनी है उठ के कमरे में घूमे मैं उधर मत जाओ कत्ल हो रखा वहां पर कत्ल हो रखा देखा हमारा चाय वाय का एरिया कह रहे अच्छा अच्छा ठीक एक तो बाप लोगों को ना बच्चा उनका आर्टिस्ट है उसकी कदर नहीं होती आर्ट की कदर नहीं होती उन्हें इतना सुंदर पिरामिड बनाया था हमने सिगरेट की डब्बियों से तोड़ दिया हम पंखा नहीं चलाते थे कि गिर जाएगा आके तोड़ दिया वो और डिब्बियां देखना सारी उसमें से एक डब्बी उठाई उसमें से आवाज आई खोली तो उसमें बीड़ी थी तो कह रहे तुम सिगरेट भी नहीं पीते नहीं अंकल पीते हैं ये रात को 2 बजे के बाद इमरजेंसी वाला है वैसे भी बहुत पैसे वेस्ट हो ना भाई वो कैरेक्टर आदमी थे यार वो सैम उनसे पैसे मांगता था ना कि ये वाली 2 बुक्स चाहिए पैसे दे दो तो वही वाली 2 बुक भेज देते थे फिर हम दोनों पूरे मार्केट में बुक ले घूम रहे थे कोई ले लो यार तो हमारे तो कोर्स की भी नहीं है अंकल ने देखा पूरा माहौल वाल बैठ गए अब वेट चल रहा है मैं अंकल चाय पियो कह रहा चाय पी तो तुम लोग मैं अच्छा दिखने जरूरत कॉन्ट मत मारो पीनी है तो बताओ ना मुझे मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ यहाँ पिटाई नहीं हो रही है भाई इतने में हमारे सेमिनन साहब सेमिनन देखो इस लड़के को बिल्कुल नहीं पता है बाहर क्या हो रहा है इसकी दुनिया कहीं और है इसकी दुनिया बदलने वाली है निकला इसका ऐसे हाथ निकला ये वापस बाथरूम में गया बंद कर लिया और वहीं से चला रहा है पापा माफ कर दो कभी नहीं करो पापा कभी नहीं करूंगा फिर मैं बुला के लाऊं यार अभी आया तो झपट्टा क्यों नहीं मारा आपने तो मैं वापस गया मैंने कहा बड़ी हो गया आप धप्पा हो गया आ जाओ मैं कहा देख लिया पापा ने आ जाओ अब कुछ नहीं हो सकता बाहर आया कह रहा भाई क्या होगा मैं कहा मुझे क्या पता तेरा बाप है भाई मुझे तो बस देखना है चल जल्दी आए रूम आए फैमिली वैल्यूज भाई नाती पहले पैर छू अच्छा आशीर्वाद मिलेगा आपको पकड़ लियो अंकल ने हाँ भाई बैठा अंकल ने कहा क्या है सब कह रहा मैं नहीं करता अंकल ने मेरी तरफ देखा मैंने कहा मैं भी नहीं करता किराए पे देते हैं कमरा बकवास कर रहा मैं नहीं करता भाई अंकल ने तो थोड़ी देर डांटा कि तुम तो ब्राइट स्टूडेंट हो मैं कॉमर्स का ही अरे बेटा ये सब करने की क्या जरूरत है फलान ठिकाना वो डांट रहे मैं कहा आप मारेंगे कुछ नहीं उठे खुद बाथरूम गए तुरंत वापस भी आ गए मैं कहा इनका क्या चल रहा है इनकी फैमिली में इन लोगों को सीधा सीधा टारगेट दिख क्यों नहीं रहा अपना सामने मारो पैसे की तरह फिर वो आप बताए फिर उससे बातें कर रहे हैं कि तुमने मतलब क्यों किया होगा ये बेटा गलत चीजें हैं और मेरी तरफ देख के कह रहे हैं इन लड़कों के साथ रहना छोड़ दो मैं कहा छोड़ देना अभी मुझे वो दिखा दो जो देखने के लिए बैठा हूँ कुछ नहीं मैं ऐसे घूम रहा मैंने अंकल का बैग देखा तो उसमें एक आलू भुजिया रखी 4 लड्डू रखे
मैंने कहा आज तो नहीं निकालेंगे, आज तो इसे वापस ले जाएंगे, आज तो बात कर रहे हैं उसे करते करते उन्होंने आलू भुजिया निकाल दी। मैं कह अरे यार ज्यादा ही शर्म नहीं आ रही, अभी गाली खाई है, गाली आलू भुजिया रख दी, चार लड्डू रख दिए। कह रहे बेटा सुनो ये सब बिल्कुल बंद कर दो और वीकेंड पे मेरे उठाओ तुमसे बात करता हूँ। बैग उठाया और चल दिए। ये क्या टाइम वेस्ट हुआ मेरा ये तो मतलब इतने कैरेक्टर में थे क्यों आप? अगर आपको इतना इजी काम नहीं आता तो भाई वो चले गए। मैं कहा ये क्या हुआ यार, तेरे पापा तुझे मारते नहीं है? कह रहा भाई मेरे पापा तो मुझे वाइपर से मारते हैं। वाइपर लिया भाई। मैं कहा तो इसलिए मना कर रहा था क्या? कह रहा हाँ भाई बचपन से सिर्फ वाइपर से ही मारते हैं। ये अजीब फेटिश नहीं तुम्हारी बात? बाथरूम से बहुत ज्यादा लगाव नहीं तुम लोगों को? और किस चीज से? नहीं कह रहा नहीं भाई उससे ही मारते हैं। मैं कहा तो अब क्या होगा? कह रहा कुछ नहीं वीकेंड पे मेरिट जाऊंगा और पापा नया वाइपर लाएंगे पर फिर उसके बाद आके दिखाऊंगा। चल दिखा दियो भाई ऐसा कर ली। फिर हम थोड़ी देर बैठे रहे, थोड़ा सैड हो गया। तो थोड़ी देर बैठे बैठे उसने बोला कि यार ऐसा तो नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं? फिर 5-7 मिनट बाद हमें लगा कि क्या ही गलत कर रहे हैं। फिर 5-7 मिनट बाद हमें लगा क्या ही होता है गलत। किसी के लिए गलत किसी के लिए सही होता है। तो हमारे पास एक और क्वार्टर पड़ा था, हमने वो निकाला, एक एक पैक बनाया, भुजिया आई थी, इसका यूज भी तो करना था। हमने भुजिया गोली अपने अपने बादल बनाए। हमारे कुत्तों की लड़ाई होने वाली थी कि अंकल वापस आ रहे। भाई वो दुकान से वाइपर लेने गया था। उन्होंने स्वीटी नाम के वाइपर से जो सूता है ना उसको घुमा घुमा कर अंकल देखे, मेरे अंकल लव द वे यू लाए। सबसे पहले जब इन्होंने शुरू किया ना तो जिस तरह से ये स्टोरी बता रहे हैं और जो इनकी आंखों में चमक है और जो हंसी है क्योंकि ही नोज एंड ही हैज लिव्ड दैट स्टोरी, तो बाद में जाके बताया कि मैंने हाँ बाद में जाके बताया कि सच्ची कहानी है, बट पहले ही देख के पता चल रहा है कि कहानी सच्ची है। और जो लोग घर से निकल के हॉस्टलों में रहे हैं या अकेले रहे हैं, दोस्तों के साथ है, भाई बहनों के साथ है, जिसके भी साथ, उन लोगों के पास ऐसी 100 कहानियां शेयर करने की, मुझे मैं बता भी नहीं सकती कि किस किस मोड़ पे मेरे दिमाग में कौन सी स्टोरी जो है ना वो प्ले हो रही थी। इतनी अलग अलग टाइप की चीज़ें हुई हैं ना और इतने एपिक चीज़ें हुई हैं हमारे साथ भी, मतलब सबके साथ ही हुई होंगी जो हॉस्टलों में रहे हैं, कि सारी की सारी याद आ गई यार। बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया। हॉस्टल फर्स्ट ईयर 7 लड़कियाँ, 7-star gang, जितना ये कमरा है उतना बड़ा रूम हमारा था, 3 बेड ऐसे लगे थे। और मैं एक हफ्ता लेट गई थी तो बीचों बीच मेरा बेड लगा दिया था ऐसे ही बीचों बीच, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हम सेटल हो गए और सब नए नए घर से आए हैं, किसी को क्लीनलीनेस की आदत नहीं, आदत है बट खुद करने की आदत नहीं है, ठीक है। तो वो कोने में एक दरवाज़ा था, दरवाजे के पास एक छोटा सा डस्टबिन था और हम दूर से केले खा के छिलके वहाँ फेंकने की ट्राई मारते थे, ठीक है। तो हमारा ये होता था तेरा नहीं गया मेरा चला गया, हम कूड़ा अपने बेडों से वहाँ पे फेंकते थे, तो वो पूरा ऐसा लगता था लुधियाना बस स्टेशन है हमारा रूम। बात मुद्दे की यहाँ आती है कि हमारे हुए फाइनल एग्जाम। हमारा कमरा नीचे था ग्राउंड फ्लोर पे, एक बेड के ऊपर पिरामिड था कपड़ों का, जो हम आके कपड़े खोल के उस पर फेंकते जा रहे थे, कोई अपने कपड़े नहीं धो रहा था, कि हमें लग रहा था कि वी आर नॉट वेस्टिंग आवर एफर्ट्स एनी मोर, ठीक है। ये सब हो रहा, 7 लड़कियां थी, 7 मिलके, मतलब सोचो कि कितना कपड़े का जंजाल हो। तो एक बेड पे तो कपड़ा ही कपड़ा था, ऊपर से हर किसी का फेवरेट एक्टर अलग है, तो हर किसी ने अपने बेड के पीछे अलग अलग टाइप का कोलार्ज बनाया है, तो पूरा ऐसे लगता था कि फिल्मी दुनिया का पुराना कोई कैफे है, गंदा कैफे, ठीक है। और फिर क्या हो गया कि अब क्या हो रहा था कि एग्जाम के टाइम पे हम लेट आ रहे हैं कॉलेज से, कभी भी आ रहे हैं, तो टिफिन में खाना मेस में पैक करके वो हमें दे देते थे, तो उसमें क्या आधा खाना खाया आधा रख दिया, टिफिन धोया ही नहीं, तो उसमें फंगस लग गई है, और बाहर से नूडल आए हैं वो खाए हैं, थोड़े बच गए नीचे छोड़ दिए, नूडल ऐसे अटक गए अकड़ गए ऐसे कैक्टस बन गए नूडल के, ठीक है। वो सब गंद पड़ा हुआ था, हम सारे बेखबर हम बस स्ट्रगल कर रहे थे कि भैया पढ़ना है, हमें फर्स्ट ईयर है अच्छे मार्क्स लाने हैं, पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि उस चीज़ की भी आदत नहीं थी हमें। तो होता क्या है
ये सब तो आपको मैंने बैकग्राउंड बताया, पिक्चराइज कर लो कि सीन क्या था। सीन अभी कमरे का ये था, ठीक है। तो हमारी एक सेकंड ईयर की सीनियर बेहोश हो जाती है हमारे कमरे के बाहर, ठीक है। स्यापा ये पड़ जाता है कि हम उसको उठाती हैं और अपने कमरे में ले आती हैं। फटाफट वार्डन को इन्फॉर्म किया जाता है, वार्डन फटाफट आती है और वो देखती है कि वो बेहोश हो गई है, वो जो भी है। वो डॉक्टर को कॉल करती है, डॉक्टर आ जाता है और शाम को ही प्रिंसिपल सर भी हमारे रूम में आ जाते हैं, इंसिडेंट की वो गर्ल कहाँ है, क्योंकि वो गर्ल की इतनी ऐसी हालत है कि उसको मूव भी नहीं किया, उसको वहीं एक बेड पे लिटा दिया। अच्छा। तो जब वो हमारे रेलवे स्टेशन कम वो गंदा दीवारें और वो कपड़ों का पिरामिड और वो खाने वाली चीजों पे फंगस देखी जाती है, तो प्रिंसिपल को ऐसा लगता है कि ये इतनी गंदगी में लड़कियां रहती हैं तो ये तो बीमार होंगी होंगी। तो हमसे कुछ नहीं बोला जाता, वो वार्डन को ऑब्वियसली बोलते हैं। और अगले दिन सुबह हम अपना एग्ज़ाम देने 8 बजे कॉलेज चली गई है 9 बजे, और 12:30 बजे जब हम वापस आती हैं तो वार्डन हम सबको लाइन में खड़ा करके धो रही है। उसके बाद हमें पता चलता है कि 2 काम करने वाली औरतें सुबह 9 बजे से जब से हम निकले हैं वो हमारा पूरा कमरा साफ़ कर रही हैं, हमारे कपड़े धुल चुके हैं, हमारे डब्बे धुल चुके हैं, वो टेबलों पर उन्होंने ड्राई करे हैं, पूरा कमरा साफ है और हमारे सारे पोस्टर फाड़ चुकी हैं वो लोग। सब कुछ कर चुके हैं कि पढ़ने वाला और अच्छे वाला माहौल बनाओ और ये कैसे कमरे हैं। और उसके बाद से पूरे हॉस्टल में ये रूल हो गया कि नथिंग हैज़ टू गो ऑन द वॉल्स, मतलब वो रूल बन गए, अब क्या ही कर सकते हैं। छापे लगने लग गए कि साफ सफाई रखती हैं नहीं रखती हैं लड़कियां। तो उस इमेज को दूर करने के लिए हमें 3 साल लगे, मतलब 3 साल तक ना, 3rd ईयर तक ना हमारी, हाँ हमारी वार्डन ना अंदर घुस घुस के ऐसे झांकती थी कि क्या कलेरा मचाया है इन्होंने, क्या कलेरा मचाया है इस बार। तो वो हमने भी किया है ये सब कुछ, बट ये तो कुछ एपिक ही था। मेरे बढ़िया हॉस्टल की काफ़ी कहानियाँ IHM में पढ़ा हूँ मैं, और वो मैं कभी किसी दिन आराम से सुनाऊंगा, अभी लंबी हो जाएगी। मगर आपको एक इंसिडेंट सुना दो। देखो मैं ऐसा बंदा नहीं था जो कि खुद शरारत करता हो, मगर मैं वो था साइड हीरो, ठीक है। तो मैंने विटनेस बहुत सारी चीज़ें करी हैं। तो एक आपको बताता हूँ सीन जो मुझे एग्जैक्टली याद है। हमारा वार्डन, हमारे हॉस्टल का वार्डन, हॉस्टल के चक्कर लगाते थे रात को, बहुत रिस्पेक्टेड थे वो सर, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। और साथ में ना एक सिक्योरिटी गार्ड होता था, उसका नाम था कश्मीर सिंह, ही वाज आल्सो ओल्ड मैन, बट वो काफ़ी लोग उससे खुंदक खाते थे क्योंकि वो मानता नहीं था, वो चुगली लगाते थे। वो कभी कभी ना रात को ऐसे ही दोनों साथ में हॉस्टल के आसपास चक्कर लगाते थे बाहर ग्राउंड में, और हॉस्टल में नीचे से सब दिखता है, ऊपर बालकनी में क्या चल रहा है। अब आगे की साइड तो आप वैसे भी कुछ नहीं करते रात को, बट रात को 2:30 बजे हम पकड़े गए। क्या करते मैं बताता हूँ, ये एक तरह की रैगिंग है। I don't support ragging, but a ragging is a healthy part to build a relationship between a senior and a junior. ठीक है, मैं और मेरा दोस्त साथ खड़े हैं, रात को उसे चुल्ल हुई, वही था एक मेन हीरो ऐसे काम करने वाला, मैं साइड हीरो, ठीक है। उसने बोला यार, मजाक में मुझे काके बोलते थे, तो उसने बोला काके मजा नहीं आ रहा, कुछ करिए। मैंने बोला क्या करेंगे यार, कमरा बंद, सब लोग सो गए हैं रात को। तो रात को निकलते हैं 2 जुगनू, ठीक है, जुगनू ए एंड जुगनू बी। जुगनू ए एंड जुगनू बी हैं फर्स्ट फ्लोर पे, हम खड़े हैं सेकंड फ्लोर पे, ठीक है। जुगनू ए एंड जुगनू बी बालकनी में आके अपनी बातें बूते कर रहे हैं, सुट्टे सुट्टे मार रहे हैं। आवाज़ मारी एक बंदे को, ओए की कर रहा है? तो उसने अपनी सिगरेट फटाफट छुपा ली। तो उसने बोला बताऊं वार्डन को यहाँ पे ये चल रहा है? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, ठीक है। अब वो डर गए, माहौल तो बन चुका है। तो अब हम एक गेम खेलेंगे, कह रहे क्या गेम खेलेंगे? कह रहे पत्ते खेलेंगे। खुश हो गए कि सीनियर के साथ, अभी नए आए हैं वो, सीनियर के साथ ऊपर जाके मजा आएगा, हमने भी ये सब करवा चुके हैं। बड़े इनोवेटिव था, सुनो कैसे। कह रहा पत्ते बट मेरे स्टाइल में खेले जाएंगे। कह रहा कैसा? ऊपर से मैं और मेरा दोस्त ताश के पत्ते नीचे फेंकेंगे, ठीक है, और पत्ते में पत्ता चल रहा है, ठीक है, खेलिए ना बचपन में। और हमारा जो नीचे जूनियर है उसका वो पत्ता कैच करना है, जो उसके हाथ में जैसे पत्ता आया वहाँ उसने हमें बताना है, और फिर पता उसके हिसाब से लगेगा कि कौन जीता। अब आप बोलोगे कि पत्ते में जो बंदा जीतता है उसका, उसके गड्डी उसके पास आ जाती है ना वापस, तो वो गड्डी देने कमरे से ऊपर आएगा, फिर वापस से गेम स्टार्ट होगी। और ऐसे ही क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पे है तो पत्ते नीचे भी गिरेंगे, तो वो फिर नीचे उतर के जाएगा, पत्ता उठा के लाएगा और गड्डी में डालेगा। तो ऐसे में हमें कैसे पकड़ा गया कि हमारा वार्डन नीचे खड़ा है और वो कश्मीर सिंह नीचे खड़ा है, और कश्मीर सिंह ऊपर बोल रहा है और की चल रहा है। और उस समय सीन क्या है, हमने पत्ता फेंका हुआ है, ठीक है, एक जूनियर नीचे पहुंचने वाला है जो पत्ता नीचे गिरा है, और वार्डन ऐसे खड़ा है, सिक्योरिटी गार्ड ने आवाज़ मारी, और जैसे ही उसने आवाज़ मारी तो जूनियर भागता हुआ पत्ता उठाने गया, और वैसे वार्डन की और सिक्योरिटी गार्ड की शक्ल देख रहा है। उसके बाद तो क्या हुआ, होता रहता था ऐसी चीज़ें। तो दैट इज़ आवर छोटा रैगिंग स्टोरी, बट जैसे मैंने कहा गुड रैगिंग जिसमें रिलेशनशिप बनता है, नाम मत खराब कर देना कहीं।
तो दैट वाज माय हॉस्टल स्टोरी छोटी सी, बाकी हम सुनाते रहेंगे। भाई इतना हंसाया मेरे पेट में दर्द हो गई है, पता है ऐसे हॉस्टल्स के मेरे गले में दर्द हो गई, मेरे से बात नहीं की जा रही, कह रहा है क्या हो गया तेरे को, मैंने कहा यार इतना थोड़ी कोई हंसाता है यार, ये तो जानलेवा है। ज्यादा राइटिंग में इसमें खांसी और हंसी, ये जानलेवा है, आज मुश्किल लग रहा है, जानलेवा है ये हंसी। हास्ता ला विस्ता जो भी कहती है। पीस आउट बेबी।